दोस्तों, मानव मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन इस दुनिया की सबसे जटिल संरचना है। आज आप इस वीडियो में मानव मस्तिष्क से जुड़े सभी रहस्यों से अनजान नहीं रहोगे। फ्रेंड्स, वैसे मुझे भी उम्मीद है आप भी इस वीडियो को देखने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि आपका ये ब्रेन बड़े कमाल की चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो, जब आप जाग रहे होते हो तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट तक की बिजली उत्पन्न कर सकता है, जो कि एक बिजली के बल्ब को भी चला सकती है। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती है, इसलिए हमारे मस्तिष्क को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। वैसे फ्रेंड्स, मस्तिष्क जो कि बहुत ही जटिल संरचना है, ये 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। क्या आप जानते हो कि आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 साल तक पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसका बहुत बड़ा कारण आज हम स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, आप भी बुद्धिमान बन सकते हो। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा दिमागी क्रिया करते हो तो आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम शरीर के जिस भी भाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं वह उतना ही विकसित होता जाता है। तो जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग की लेफ्ट साइड आपके बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। दोस्तों, एक रिसर्च बताती है कि जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हो कि हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं? क्या आपको पता है कि एक जिंदा दिमाग बहुत नर्म होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और आपके दिमाग में 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं होती है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो यह जिंदा रह सकता है, लेकिन 5 से 10 मिनट तक ना मिलने पर ब्रेन डैमेज होना तय है। दोस्तों, एक रिसर्च बताती है कि जब मनुष्य 2 साल का होता है तो उसके दिमाग में किसी और समय के अलावा ब्रेन सेल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, दिमाग शरीर का लगभग 2% होता है, परंतु यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। हमारे दिमाग में 40% भाग का रंग ग्रे होता है और 60% भाग का रंग सफ़ेद। ग्रे भाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो संचार का काम करते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च यह भी बताती है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग कमज़ोर होती है वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है। अब इसके पीछे का साइंस भी जान लीजिए। आपका हाथ जितना स्पीड से काम करता है उससे ज़्यादा तेज़ी से जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो दिमाग से हाथ तक जो सिग्नल कनेक्शन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। दोस्तों, यह एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। ड्रीम्स क्या है, क्यों हैं और कैसे हैं, यह भी मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप अपने जीवन में सपने नहीं देखते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। अब आप ये मत सोचिए कि मुझे तो सपने आते ही नहीं, अगर आप जिंदा हो तो मतलब आपको सपने ज़रूर आते हैं। दरअसल हम सपनों को भूल जाते हैं, और एक सर्वे में पता चला है कि हम उठने के 5 मिनट बाद ही अपने सपनों का 90% भूल जाते हैं। और साइंटिस्ट को इतना ही पता है कि जो अनुभव आप असल ज़िंदगी में महसूस करते हो उन चीज़ों का ही सपनों में आने के 90% चांस होते हैं। वैसे दोस्तों, दिमाग क्या है इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, बस ब्रेन नाम सुनते ही मन में ये आता है कि ये ब्रेन भी गजब की चीज़ है। दोस्तों, आज के युग में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ों से दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हो कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि को देखने में व्यक्ति अपने दिमाग का बहुत ही कम उपयोग करता है, जिसके कारण बच्चों का दिमाग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। फैक्ट परफेक्ट चैनल आपको रिकमेंड करेगा कि आप जितने आवश्यकता हो उतना ही इनका इस्तेमाल करें। अगर आप बच्चों के दिमाग को डेवलप करना चाहते हो तो उन्हें पढ़ने के लिए बुक्स दें, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमारे मस्तिष्क की कल्पना शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, दिमाग इस ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स अंग है, इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि इसमें अनंत शक्तियाँ समाहित होती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।